ओवर यस लाइव स्टार्ट स्लो में हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना मैं हर बार यही बोलता हूं एक उम्मीद जिंदा रखना और वो अपनी वाली अपने वाले से नहीं खुद से और उस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे इस क्लास में उम्मीद है हमें भी आपसे कि आप क्लास में आ गए है ना और आसिकों के लिए ये उम्मीद नहीं है क्योंकि आशिकों की उम्मीद में दुखी मिलता है ये आप मेहनत करने वालों के लिए उम्मीद हमेशा खुद से करना बहुत कुछ कर जाओगे अगर दूसरे से उम्मीद करना तो सब कुछ खो जाएगा पढ़ेंगे क्या पता है पढ़ेंगे आज प्रैक्टिस सेट क्योंकि आज मुझे खुद नहीं पता क्या पढ़ाना है आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मुझे ये बताओ सबसे पहले ईमानदारी के साथ बिल्कुल सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है बताइए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आज ओरल क्वेश्चन होंगे कुछ लिखित क्वेश्चन होंगे मजा खूब सारा आएगा चलो आलोक यादव सुमित किंग ऑफ पैन देवेंद्र अंजू पटेल रूबी यादव ज्योति मोहिनी बिक्की प्रियांशु नीतीश टेलीग्राम में मैं शेयर कर देता हूँ कर लेंगे शेड्यूल किए रहे होंगे ना आप ठीक है मैंने पूछा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मुझे क्वेश्चन नहीं याद रहेगा इसके बाद ठीक है तो बताना मुझे क्या पूछे थे अगला सवाल बताइए बहुत अच्छा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज फोर क्या है फोर अरे भैया फोर भी है कि नहीं है अरे वेरीफाई करने के लिए बैठा रखा अकाउंट बगल में चलो ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन एक छोटा सा और सेकंड नंबर क्वेश्चन चल भैया क्वेश्चन नंबर पहला होगा खत्म क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बताइए कि अंडर रूट वन नाइन नाइन ये करड़ी है या नहीं है बोलो चल भैया करडी है या नहीं हाँ या नहीं मैं जवाब दो फटाफट चिकन में रागिनी प्रजापति का सही आंसर है प्रिंसी यादव वेरी गुड प्रतीक्षा कुछ वहा मनीषा यादव सुहाना बाबू बबीता कुमारी और एक अयोध्या नाम से भी कमेंट आ रहा है अयोध्या हमारे खानदान में किसी का नाम भी था परदा दादा पर दादा में आज बता दे रहा हूं तो चलो पता नहीं वही आ गए हैं का देखो इधर क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा पहला सवाल मैंने पूछा था कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका आंसर है फोर अगला ये करड़ी है, है, तो है।, है, 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 है।, है, है। प्रैक्टिस होगा सिर्फ प्रैक्टिस आज रेगुलर क्लास नहीं है कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा आपसे पूछूंगा रोज मैं बताता हूं आज तुम बताओगे <laughs> अच्छा ये बताओ रोमन डिजिट यानी रोमन अंक जो डी है ना इसका मान क्या होगा बिना ऑप्शन के बताओ बिना ऑप्शन के आज तो स्टूडेंट की ऐसी हालत हो गई कंपटीशन की तैयारी करने वाले अगर उनसे बाप का नाम भी पूछो तो कहते ऑप्शन दीजिए समझ रहे हो तो यहां पे ऑप्शन नहीं है आज एक बच्चे ने कॉल किया था और संयोग से फोन मैंने ही उठाया तो मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है तो रुकिए आधार कार्ड बताते समझ रहे हो संगीता शिक्षा उपाध्याय मोहम्मद हसन आ, काबेरी इनका अगला नाम कठिन है चलो भैया तो डी का जो मान है वो होगा पांच सौ कितना होगा फाइव हंड्रेड पाँच सौ सबसे पहला जवाब जो दिया था उनका नाम मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है तभी उन्होंने बताया है और उनका नाम है इसमें प्रियांशु दूसरे पर है तहसीन परवीन और पार्थ कुमार <laughs> पूजा शुक्ला वेरी गुड चल भैया फोन नंबर में आ जाओ <laughs> 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 हालत ना थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब है इसलिए आज मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं चलो बताओ एक मीटर में कितना सेंटीमीटर बताओ अरे सेंटीमीटर नहीं यार मिलीमीटर एक मीटर में कितना मिलीमीटर बताइए जवाब दीजिए फटाफट रूबी वेरी गुड बंदना चौहान ज्योति सरोज बहुत अच्छा बच्चा वेरी गुड देखो भैया एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते ना एक ही जाना था ना मिली सेंटी डेसी मीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर ये पूरी कहानी हो तो बस तो गिनते चलो मिली सेंटी डेसी मीटर ना? कितना एक हजार कितना हजार की कि सौ बहुत अच्छा वेरी गुड कुछ लोग कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कुछ लोग सौ बता रहे हैं कुछ लोग एक हज़ार बता रहे हैं कुछ लोग दस हज़ार बता रहे हैं आज आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो और ना ही शेयर किए हैं बहुत से बच्चे मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपसे प्रॉमिस करवाया था इसका आंसर एक हजार होगा वन थाउजेंड ठीक है कुछ दिमाग लगाना तो लगा लो एक हज़ार होगा ना बताइए जी सर एक हजार होगा पक्का ना यहाँ मैं वेरीफाई करने के लिए बैठा है अगर गलती हुई किसी क्वेश्चन में जिम्मेदारी इनकी पक्का न नहीं पक्का जिम्मेदारी आप ही की आज आठ नंबर है क्लास तो ये क्या है बाबू भैया ये आठ नंबर क्लास है आप देख रहे हैं विंटर बैच का प्रैक्टिस सेट विंटर बैच का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और सिर्फ सेट देखना मुझे मत देखना और ये बैच यूट्यूब पे फ्री होगी टोटल लाइव फ्री होगी मैंने आपको पहले बता दिया है लेकिन आपका ये काम है दो ठीक इसको आपको करना पड़ेगा इसको पहले लगाना था बट मैं लगाया नहीं था और एक चीज और है इसमें सबसे बड़ा खतरनाक शर्त आप सिर्फ लाइव देख पाओगे लाइव पाओगे नहीं कभी नहीं पाओगे इसलिए सीखना है फ्री पढ़ाऊंगा इसमें पूरा अच्छे से ढंग से कंप्लीट कोर्स कराऊंगा पूरा फ्री यानी आपको दो साल भर के जमा नहीं करने होंगे आइए चलिए आगे बढ़ते हैं Uh, कितना क्वेश्चन हुआ था भाई कितना बार आओ गुरु जी बताओ जल्दी बताओ फटाफट फिर कहें बैठना बोला ना पांच नंबर चलो बताओ ये बताइए कि अट्ठाईस सौ का पच्चीस परसेंट कितना होगा जल्दी फटाफट कमेंट करिए पांच सेकेंड के अंदर जिनको लगता है मुझे मैथ आती है बहुत अच्छा वेरी गुड हमारे पास में जो बच्चे बैठे हैं वो तकगड़ हैं वो ऑप्शन ले लो 600 हमारे टीम के लोग अब तकड़ हो चुके हैं चल भाई छठा नंबर बहुत अच्छा वेरी गुड इसका आंसर आएगा सेवन हंड्रेड भाई देखो ऐसे दिमाग लगाओ छोटा सा दिमाग लगाओ ऐसे पच्चीस परफेंट पच्चीस चौका सौ ना तो ऐसी कोई गिनती सोचो वो जिसके चौका क्या हो अट्ठाईस सौ तो सात सौ चौका अट्ठाईस सौ एक चीज़ और बताओ अच्छा चलो अट्ठाईस का पच्चीस परसेंट कितना होगा वो हो? अट्ठाईस का पच्चीस परसेंट कितना होगा बहुत आसान है देखो मैं तरीका बता देता हूँ क्योंकि हमारे लड़के ना कुछ लड़के नहीं होते वो लड़कों के माँ बाप होते हैं और कुछ तो दादा पर दादा बन गए हैं और कुछ लोग तभी तो इंतजार कर रहे हैं जैसे मैं दिनेश भाई देखो यहाँ पर कैसे निकालते कैसे हैं बता देता हूँ छोटा सा अट्ठाईस आप अट्ठाईस से दो से दो का क्या करोगे पच्चीस में करोगे गुड़ा अब पच्चीस अट्ठे होता है दुणी सो, दुणी सो का जीरो हाफिलाया बीस पच्चीस दुना पचास पचास बीस सत्तर होगा सात सौ आया समझ में किसी को तकलीफ दुख दर्द अरे मतलब क्लास में बाकी तो आप लोगों का महाभारत चल ही रहा है जिंदगी में आरती सिंह बहुत अच्छा वेरी गुड मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक जी सर बहुत अच्छा पूजा शुक्ला पुरानी क्लास नहीं मिलेगी उसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मैं ऐसे झूठे थोड़ी प्रॉमिस करता हूँ एक प्रॉमिस उससे किया था जो भाग गई एक प्रॉमिस तुमसे किया हूँ तो मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ता कभी ठीक ना पुरानी क्लास नहीं मिलेगी मैंने कहा ना कि अगर लाइव आओ डेली हाँ जो बच्चे डेली लाइव आएंगे रेगुलर आने लगे तो उनको पिछली क्लास एक बार मिल जाएगी आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा अपनी ईमेल आईडी दीजिएगा हम भेज देंगे प्राइवेट क्लास ठीक है जैसे का छूट गया है लेकिन आज के बाद तुम्हें रोज़ आना होगा दोबारा नहीं भेजूंगा मान लो आज आठ नंबर चल रही जिसकी सात क्लास छूट गई हम भेज देंगे लेकिन नौ से आगे जितनी चलेगी रोज अटेंड करना होगा फिर नहीं भेजेंगे कभी चलिए ऐसे अगला निकाल लोगे ए भैया हम पढ़ रहे हैं बेसिक गणित हो बुलाया ना सब भैया क्वेश्चन नंबर कौन रहेगा नौ नंबर डालो जो भी होगा ये बताओ कि अनुचित भिन्न है इसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं ना सही है ना कंफर्म करिएगा सर बताइएगा बैठाया हूँ इनको लाके मैं इसीलिए इम प्रॉपर कौन है इसमें तीन बटा आठ सात <coughs> बटा बारह आठ बटा जीरो और इट जीरो बटा मान लो नौ चलो इम प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न बताइए, उचित भिन्न अनुचित भिन्न एको नहीं यार है क्यार है मैं बताइए देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो यह क्या होती है उचित भिन्न होती है मतलब इसमें कोई प्रकार की चेंजिंग पॉसिबल नहीं होती है एक होती है अनुचित भिन्न या इम्रॉपर फ्रैक्शन जिससे मिश्र फ्रैक्शन बनता है इसमें कौनों नहीं है को नहीं है ठीक है एको नहीं है इसको आप क्या कहोगे इसको भाग करोगे जीरो से तो अनंत आएगा ना ये हर अनंत हर कथा अनंता वैसे बोल सकते हो नहीं इसको अनुचित बिन्नी सी वाला बोल सकते हो ना हाँ बोल सकते हो लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें आप बाद में बताऊंगा चलो पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं बोल सकते हो सी वाले को आप आरती सिंह थोड़ा बेट करिए डाउट है लास्ट में दफ नंबर में आगे बढ़े हम्म अच्छा बहुत ही छोटी छोटी बातें हो रही हैं यहाँ पर ये बताइए पढ़े तो सब भाई है यहाँ नहीं पढ़े आ ना? जीरो पॉइंट फाइव इसका मान क्या है बताओ पहला पांच है पांच बटा नौ नौ है सी वाला में पांच बटा पच्चीस है और डी वाले में पांच बटा नौ है बताओ था नंबर में जल्दी करिए फटाफट पार्वती वर्मा बहुत अच्छा रितु कटारिया रूबी कमल ठाकुर जल्दी कर भैया बेसिक है एकदम एकदम शुरू से जीरो से अच्छा एक बात बताओ तुम यादों में मरते हो कि नहीं मरते हो अरे मैं कुछ और पूछने वाला था बट ये हमारे दिनेश भाई आज बोल दिए ना तो हम इसलिए भूल नहीं पा रहे आ, हो सकता है इनकी मैडम भी पढ़ रही हो तो थोड़ा इनके बारे में इसीलिए बोल रहे हैं कि मन लगा रहे उनका <laughs> चलिए आगे बढ़े ठीक है इसका मान क्या होगा तीन पचास पंद्रह पंद्रह सत्ते एक सौ पांच एक सौ पांच को नौ में गुड़ा करोगे तो नौ सौ पैतालीस नौ सौ पैतालीस होगा या नौ सौ होगा या जीरो होगा या नौ नौ दीज हमें नहीं पता है कितना होगा जीरो लेवल वाले ले हैं भैया है, हम रही हैं ये सब एम कंफ्यूज हो जाते <coughs> हम्म बहुत अच्छा अरमान बहुत अच्छा वेरी गुड गुफरान खान वंदना रागनी, सुरेंद्र प्रताप एक मान सुनना हो है बाबा कहाँ हो है? जीरो हो है। देखो बीच में है ना जीरो अगर गुणा के चिन्ह में कितनी भी बड़ी संख्या है कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है अगर बीच में जीरो है तो सारा मान जीरो आता है हमेशा याद रखना इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह हमरे लगे ना कौन आज क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम इतना क्वेश्चन बना देवे हमें ना कि तुम तो लोग खुद कंफ्यूज हो जाओ का करी देखो अंडर रूट पांच <coughs> गुड़े अंडर रूट सात ये क्या है P एंड Q, ये परमीय संख्या है या अपरमीय है बताइए रेफनल या इरेफनल जवाब दीजिए फटाफट राज जी बहुत अच्छा वेरी गुड जुड़ गए हैं आप गॉड ब्लेस यू एंड भगवान आपकी रक्षा करें और आप अच्छे कर्म करते रहें चलिए अधिक पाप करने वाले लोग ज्यादा पूजा पाठ में लगे रहते हैं <laughs> भाई मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ऐसा मैंने आज कहीं पढ़ा था सच्चाई है कि नहीं आप लोग बताना आपके दिल की क्या बात है यहाँ पे हाँ लिख के कमेंट करना अपने आसपास राजनीति में गांव देहात में पुजारी उजारी को देख करके अगल बगल मैंने कहता कि कोई हर कोई ऐसा होता है इस बात पे कोई कंट्रोर्सी नहीं होना चाहिए हर कोई ऐसा होता है लेकिन अधिकांश केस में ऐसा होता है हाँ या ना बताओ क्या कहना है आपका हमारे पास एक एग्जाम्पल है ना मैंने इसलिए कहा एग्जाम्पल अपने मन में समझ रहा किसको बोल रहा है। <laughs> नहीं ऐसी बात नहीं है चलो मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ अच्छा क्या है? संख्या है क्या है e है संख्या इरेशनल नंबर है बाबू क्या है इरेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर बारह आइए बताओ अ ये है अंडर रूट पांच पांच एक को लिखता है बार बार बताओ इसको और अंडर रूट नौ यह क्या है परमीय संख्या है कपरमीय परमीय है या परमीय है बहुत अच्छा वेरी गुड <laughs> बहुत अच्छा वेरी गुड देखो कुछ सनातन धर्म वाले आ गए भैया हम उसी धर्म से हाँ धर्म का मजाक नहीं बन रहा है धर्म का मजाक तो अक्सर लोग जान के बना रहे हैं पता है कहाँ बना रहे हैं बताऊँ मैं अभी देखिए विसर्जन पर क्या हाल करते हैं उसी पर जाके बैठते हैं चढ़ चढ़ के ये सब नहीं होना चाहिए ना बहुत सारी गड़बड़ चीजें हो रही हैं उस पर देखना चाहिए ध्यान देना चाहिए इसमें कोई मजाक की बात नहीं है बात बता रहा हूँ इसकी आड़ में लोग बहुत कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं हमारे बगल में कैमरा करके दिखा दीजिएगा हम भी पूजा पाठ करते हैं लेकिन जो चीजें गड़बड़ हो रही उनको बोलना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल ये टॉपिक छोड़िए हम लोग का टॉपिक कुछ और है आप लोगों ने पढ़ा होगा चार और अचार संख्या सजातीय और विजातीय पद पढ़ा होगा आपने तो ये बताइए ए नंबर इसमें मैंने लिख दिया माइनस एक्स का स्क्वायर और टू एक्स का स्क्वायर और यहां पर तीन एक्स का स्क्वायर और एक है एक्स का स्क्वायर ये पूरी संख्या बताइए आप कमेंट करके फटाफट ये पूरी संख्या जो है ये सजाती है या बी है बताइए सजातीय है या जाती है, है, है। फटाफट बताइए शीला कुशवाहा वेरी गुड आरती सिंह पार्थ करन कुमार मोहित कुमार त्रिपाठी कोमल तिवारी वेरी गुड बहुत अच्छे है किसी को कोई डाउट नहीं ना बढ़िया है वेरी गुड चलो भाई तो सजातीय विजातीय जानते हो कैसे होता है देखो सजातीय पद को बोलते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स भी जातीय पद सजातीय पद के लिए आपका चर बराबर होना चाहिए और घात बराबर होनी चाहिए चर और घात सेम होना चाहिए इसमें देखो तो चर पद सब में सेम है एक्स है पावर भी इक्वल है यानी ये पूरा का पूरा क्या है सजातीय पद है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चौदह नंबर पे आगे बढ़िए और मुझे ये बताओ बहुत ही अच्छा सवाल है बहुत ही प्यारा भी है सुंदर भी है देखो कैसे जय देखिए सर कोई आया ए कई बयालीस और दो सौ दस नहीं दो सौ दस सही रहेगा बयालीस uh, से दो सौ दस डिवाइड होगा क्या बताइए ठीक है बहुत अच्छा चलिए एक और संख्या इसमें लिख लीजिए एक मिनट थोड़ा रुकना uh, एक और संख्या लिख लो ठीक <coughs> है एक हजार पचास का एलसीएम बताओ इसका एलसीएम क्या होगा देखो मैं जो क्वेश्चन बनाना चाहता था वो बना है नहीं। कि नहीं बना तो मैं चेंज करूँगा अच्छा। बताना है बस मुश्किल से दो सेकंड में क्वेश्चन में लिख के कंप्लीट किया कि आपको आंसर आ जाना चाहिए था बताइए जी सर बताइए कितना आएगा क्यों अरे एक्सपर्ट है यार आप भले कर रहे हो लेकिन एक्सपर्ट चलो ठीक है गुड देखिए एक्चुअली इसका आंसर जो आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा एक हजार पचास क्यों क्योंकि एक मैंने आपको जुगाड़ बताया था कि दी गई संख्याएं जो हैं अगर उनमें सबसे बड़की वाली संख्या बाकी छोटकी सभी संख्या से पूर्णता विभाजित है तो उनका एलसीएम सदैव बड़की संख्या होती है ठीक है बिना कोई नियम बिना कोई कानून के आपको सिर्फ आंसर आना चाहिए पूजा शुक्ला शिक्षा उपाध्याय भूपेश चतुर्वेदी गुफरान खान रागिनी प्रजापति पिंकी कुमारी रूबी यादव मोहित महेश सौरभ राहुल रंजू पटेल चल भैया बहुत अच्छा वेरी गुड बच्चा चलो आगे बढ़ते हैं तो और कौन कौन टॉपिक है जो हम न ना पकड़े न ना अच्छा गुरु देखा फिर चला बतावा क्वेश्चन बहुत छोटा सा है मतलब प्यारा सा है ये बताओ कि संख्या छत्तीस सौ के कितने गुणनखंड गुणनखंड यानी फैक्टर यानी अपवर्तक संभव है बता भैया इसके कितने फैक्टर पॉसिबल हैं बीस दस सोलह या नौ नॉब दी जिनमें से कौनों नहीं सही है और जितना लोगों को नहीं आता है ना वो कमेंट में यन लिखेंगे यन यन मतलब हमें नहीं आवत हम कहा चलिए जल्दी करिए तरीका बता चुका हूं देखिए प्रैक्टिस आज हो रहा है मैं जब कंसेप्ट पढ़ाता हूं तो बिल्कुल पढ़ाता नहीं सिखा हूं सिखाता हूं लास्ट में घोल के पिलाता भी हूं हजम नहीं होता जिनको उनको नकुना पकड़ के दबा पिलाया जाता है बचपन में कौन कौन ऐसा दवाई पिया है हमारे को दवाई पिलाने के लिए ना तीन लोग लगते थे चार लोग एक लोग पैर पकड़ते थे एक लोग हाथ एक लोग नकुना दबाते थे तब तो पीते थे तभी तो देखो चार लोग के बदले चार लाख लोग को पढ़ा रहे ना आर्य मैन ये कह रहे हैं समझ नहीं आया <laughs> ये कच्चा बादाम थोड़ी एक तीस सेकंड में समझ में आ जाएगा मतलब कच्चा बादाम का वीडियो जो लोग देखे होंगे जान रहे होंगे वो तो बीस सेकंड में आ जाता है इसमें टाइम देना पड़ता है चलो देखो आएगा टाइम दोगे तो आएगा साथियों मैंने बताया था इसका तरीका कि आप इसका क्या करेंगे कितने गुड़नखंड है निकालने के लिए बहुत ही प्यार से आप इनका अभाज्य गुड़नखंड कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप निकाल देंगे मैं एक सवाल हल करवा देता हूं मेरा मन कह रहा है ऐसा देखो कैसे एक क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा पतला सा लिखूंगा देखो 3600, सौ दो से काटोगे 1800 आएगा फिर दो से काटोगे 900 आएगा फिर दो से काटोगे 450। फिर दो दुना चार दो दुना चार दो पंचे दस तीन सतह इक्कीस तीन पचे पंद्रह तीन दुना छः तीन पचे पंद्रह पाँच एंड पांच देखो कितने होंगे समझो दुई का घात कितनी बनेगी चार एक एक घात दुई एक एक घात दुई तो चार में एक जोड़ो पांच तीन और तीन पांच पंद्रह पंद्रह तीन पैंतालीस, छत्तीस सौ के कुल पैंतालीस क्या होंगे उड़नखंड होंगे यानी फैक्टर होंगे समझाना कैसे हुआ दी गई संख्या का आज उड़नखंड करेंगे उनको घात के रूप में लिखेंगे और लास्ट में घात में एक एक जोड़ेंगे सब में और कूड़ा कर लेंगे बस <laughs> समझ में आया किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं क्लास को लाइक करिए सर कमेंट करिए लिख के भेजिए लाइक शेयर करिए आप लोग उसमें लिख के भेजिए अरे आप भेजेंगे तो दूसरा स्टाइल में जाएगा वो चलिए अगला आगे बढ़े ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन चल भैया अगला क्वेश्चन ये बताओ सा भाई लोग क्या पूछिए हम बेसिक गणित है तो बेसिक है तो है ना <laughs> एक मान का है भैया हम्म जल्दी करें लेकिन जल्दबाजी नहीं जवाब दीजिए ईमानदारी के साथ इनको गणित सीखना है क्लास को छोड़कर नहीं जाना है क्योंकि ये क्लास बाद में नहीं मिलेगी बाद में नहीं मिलेगी ये क्लास बिल्कुल नहीं मिलेगी हम्म बहुत अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छा बच्चा सर दस बजे वाली क्लास नहीं है नहीं चलेगी सोच तो रहा हूँ चलनी चाहिए लेकिन हमारे साथ ही आज कुछ खिला पिला नहीं रहे हैं बैठे हैं कह रहे हैं आज कुछ नहीं बनाएंगे ना कुछ खाएंगे ना तुमको खाने देंगे इनको आप लोग बोलो जाएं कुछ पेट पूजा को उपाय करें तब हम पढ़ाई ठीक <coughs> है इनका आपस में गुड़ा होगा तो दो तिहाई छे और ये घात दुई है घात एक है गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती हैं। घात तीन होगा है भैया गड़बड़ हो गया यार ही तो ऑप्शन सन दूठी सेम होएगा ना ये घात तीन समझ के लिखा था मैं तो यहाँ घात तीन रहेगी और यही आंसर सही रहेगा तो एक्स पावर थ्री सिक्स एक्स क्यूब आएगा सिक्स एक्स क्यूब आएगा दोनों नहीं सही होगा बी सी जो लोग बोल रहे हैं आज सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है समझा नहीं रहा हूं हटाओ समझाने वाली क्लास में आना तो समझाएंगे चल भैया आगे कौन टॉपिक है आ, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम अच्छा तो ये बताओ सबसे बड़की प्राकृतिक संख्या कितनी बड़ी है भैया सबसे बड़ी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या बताओ बताओ सौ है एक हजार है एक लाख है या फिर आनंद है खत्म नहीं होगी बहुत अच्छा बच्चा वेरी गुड अठारह नंबर पे आ जाओ शून्य है अरे है वो तो तुम दिखाता है मुंह दिखाता है लेकिन कहा है अपरमीय या परमीय रेफनल या इरेफनल नंबर शून्य क्या है रेफनल आर इरेफनल नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिए निवेदन है रिक्वेस्ट है पार्थ कह रहे हैं कौन है आपकी मैम है मेरी मैम तो पता नहीं अभी जन्म ली हैं कि अभी जन्म लेने के बारे में सोच रही हैं मुझे तो नहीं मिली आज तक कहीं देखो आप लोग मिल जाए तो बताना मुझे वैकेंसी भी निकालने वाले हैं शादी के लिए मुझे लग रहा है इसे निकालना पड़ेगा इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें है ना चलो देखो ठीक है बाकी घर वाले ट्राई कर रहे हैं लेकिन शादी एक ऐसा गेम है ना कि मछली के थैला समझ के सांप के थैले में हाथ डाल दिया <laughs> समझ रहे हो कि नहीं तुम कहा हल्के में ले रहे हो कहा जिन लोगों ने हाथ डाला है उनसे पूछो क्या हाल है उनका और हमारे एक दोस्त कल एग्जाम्पल दे रहे थे बिजली वाले उनका नहीं बताऊंगा क्लास में बताएं लाइक नहीं बता। उनका एग्जाम्पल बड़ा खतरनाक था चलो ठीक है देखो आगे तो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर जो है वो अनंत था इनफाइनाइट है ये डी वाला सही है शून्य एक परमीय संख्या है जीरो इज रेफ एन नंबर राजापुर शॉर्ट्स क्रिएटर आ गया भैया एक तो हम हैरत अठारह नंबर चल रहा है ना क्वेश्चन नंबर अठारह ये बताइए प्यार से बताना ईमानदारी के साथ प्यार चाहे कम है लेकिन ईमानदारी रहनी चाहिए 120 का एक तिहाई कितना है तिहाई चौथाई जाना था ना सब ना जानता सब जान जावा दिक्कत ना ले चला 60 है चालीस है तीस है या बीस है ईमानदारी के साथ अठारह ए अठारह बी या अठारह सी ऐसे कमेंट करेंगे देखो हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं है बोले के एक बात याद रखना भूलना नहीं इस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो बाद में यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं होगा किसी भी हाल में इसलिए कोई भी बंदा लाइव क्लास छोड़ के नहीं जाने का अक्सर शादीशुदा वालों को दिक्कत होती रात में <laughs> वो ज़्यादा बिजी रहते हैं वो क्लास छोड़ के भाग जाते हैं फिर सुबह फोन और मैसेज करेंगे अरे सर हम बहुत बिजी थे रात में और हमें क्लास दे दो तो पीछे वाली हम कहते हैं हमें पता है तुम कहाँ बिजी थे और इसीलिए हम क्लास नहीं देते सबसे ज्यादा जलन हमारी सदी सुधा वाले से चलो इसको देखो प्यार से पढ़ो भाई <coughs> पढ़ लिया एक पढ़ो अब नौ बजे से नौ बजकर चालीस मिनट तक ये क्लास लाइव होती है और आज का प्रैक्टिस हो गया खत्म अब हम आप लोगों से प्यारी प्यारी सी बात करेंगे दो मिनट फिर हो जाएगा बंद आपकी क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चलती है अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग कहाँ कहां से जुड़े हैं अपना जिला और राज्य का नाम बताइए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और राज्य का नाम बताना कोई अपने गांव, मोहल्ला गली का नाम ना बताना नहीं बड़ा खबूल हो पहुंच जाएंगे रे, लेके कटोरा बताइए किसी को हाँ और कुछ पूछना है क्लास के बारे में कोर्स के बारे में आपकी कोई शिकायत है कोई सुझाव है तो बताएं <coughs> आ, देखो बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं है तो बहुत लंबा क्लास खींचने से गड़बड़ हो जाएगा एक आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी टीम के सदस्यों से आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करें जो बोलें उसे समझने की कोशिश करें एक मोटी मोटी बात बताऊँ आज मुझे कई दिन से कुछ ऐसे केस मिल रहे हैं जानकारी कि कुछ बच्चे कोर्स ले लेते हैं उसके बाद वो अपना मोबाइल खो देते हैं ईमेल आईडी मोबाइल पासवर्ड सब खो देते हैं फिर कहते हैं हम तो कोर्स लिए थे हमको तो दो ये कौ गलत बात है भैया देखो आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से अगर एक रुपया आता है जनता के लिए ना तो जनता के पास ये चार पाँच पैसा पहुंचता है मतलब सौ पैसा में अट्ठानबे पैसा पंचानवे पैसा सब करप्शन में चला जाता है तो यहाँ करप्शन तो नहीं लेकिन एक सिस्टम से ख़त्म होता है आप जो पाँच सौ का कोर्स लेते हैं उसमें जी एस रुपया हो जाता है बाकी एप्लीकेशन का दस मैनेजमेंट एंड सिस्टम आदि आदि अनादि का सब होता है लगता है तो अगर आपको एक नई आईडी पे कोर्स एक्टिवेट करके दिया जाता है तो वो सब खर्चा हमें अपने पास से देना पड़ता है समझ रहे हो तो हम आईडी नहीं चेंज कर सकते ईमेल आईडी आई हाँ पासवर्ड चेंज हो जाएगा आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो पासवर्ड चेंज हो जाएगा लेकिन ईमेल आईडी नहीं चेंज होती है होता है ऐसा एकदम गुप्त रोक के जैसे हो चुका है कि लोग शेयर नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं क्यों क्योंकि एज ज्यादा हो चुकी है गणित की वजह से कोई एग्जाम नहीं निकलता है बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन सिर्फ मैथ में गड़बड़ा जाते हैं अगर आपकी भी ऐसी कंडीशन है तो आप हमारे यहाँ स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं अभी पांच तारीख से बैच आया है पांच तारीख से अभी नया बैच आया है क्लब बैच अभी इसमें ज्वाइनिंग हो रही है कुछ सीट बची होगी जिन बच्चों के पेमेंट पेंडिंग है या फेल हो गए या कुछ बच्चे ज्वाइन करने के लिए प्रॉमिस करते हैं तो उनकी सीट बुक कर दी जाती है लेकिन वो नहीं कर पाते किसी कारण से तो खाली हो जाती है तो इसमें शायद सत्रह या उन्नीस क्लास समथिंग सीट मतलब खाली है अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें इसमें बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे एकदम जोड़ घटाना कूड़ा भाग सही से अब इसके नीचे और का सीखना चाहते हो यहां से शुरू करेंगे और बाकी प्रैक्टिस सेट में जो देखे हो वहां तक जाएगा जो जो उसमें पूछे हैं ऐसे ही है सब कॉन्सेप्ट बताएंगे एक तरफ से बताएंगे नहीं गोल के पिलाएंगे एकदम मस्त तरीके से और सबको आएगा किसी को कोई तकलीफ कोई डाउट तो बताओ बताइए जवाब दीजिए फटाफट किसी को कोई दिक्कत नहीं ना चलिए ठीक है तो जिनको सीखना इसे कर सकते हैं ये वो लोग करेंगे जो लाइव नहीं आ सकते हैं इसको फ्री में देखो आप इसके लिए ना फूटी कौड़ी ना खर्चा करो फ्री में देखो इसको भी हटाओ यूट्यूब पे लाइव आओ बस जो इसमें पढ़ाएंगे सेम यूट्यूब पे लाइव पढ़ाएंगे याद रखें जो इसमें पढ़ाएंगे पेमेंट वाले में सेम फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब पे लेकिन कंडीशन है अगर आप लाइव नहीं आए तो बाद में उसका वीडियो नहीं मिलेगा बस इतनी सी बात है तो आप अपना हर्जा हर खर्चा निकाल के आओ लाइव 9 पीएम पे लाइव आओ 9:40 तक टाइम निकाल के आओ अगर आप क्लास छोड़ोगे तो क्लास नहीं मिलेगी बीच में इमरजेंसी किसी कारण से छूट गई तो आप हमें अपनी ईमेल आईडी डी व्हाट्सएप पर दीजिए हम क्लास आपको दे देंगे दो तीन बार महीने में चार क्लास देंगे इस तरह से ईमेल पे चार से ज्यादा नहीं देंगे कभी लेकिन अगर आप कहोगे नहीं हम रोज ईमेल कर देंगे रोज हमें भेज दो तो इतने मूर्ख पैदा हुए थे ना ना भाई ने समझ रहे हो ना? चलो तो फिर आज का कहानी यहीं पे खत्म बहुत बहुत थैंक यू दस बजे से अगली क्लास है देखते हैं जैसे भी होगा टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे हमारी कोशिश है लाइव तो हम आएंगे चाहे थोड़ी देर के लिए आए ठीक है कुछ कहना है तो बताइए नंबर देखिए यहां भी दिख रहा है नीचे भी चल रहा है संपर्क करिएगा ओके थैंक यू गुड नाइट शुभरात्रि राम राम जय हिंद